केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021-22 के लिए ये वीडियो बनाई गई है। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार की होने वाली सभी भर्तियों में इस परीक्षा के द्वारा ही शामिल अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। अब ये CET इसको नाम दिया गया है, यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात केंद्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये जो परीक्षा है ये किस प्रारूप में होगी, किस किस जॉब्स के लिए योग्य होगी और क्या इसके लिए योग्यता सिलेबस और आयु सीमा है और भविष्य में भर्ती में किस तरीके से उपयोग होगा, कट ऑफ बनेगी या सर्टिफिकेट कितने वर्षों तक वैलिड होगा या किस तरीके से इस परीक्षा का जो है समायोजन किया जाएगा, तो वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। आप जो है वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दें और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होगी इसमें शामिल किए गए विभागों में मुख्य रूप से आपका जो रेलवे है, रेलवे के द्वारा जो आपकी भर्ती होती है, चाहे RRB के द्वारा हो, RRC के द्वारा हो या रेलवे में पुलिस भर्ती हो, वहीं SSC जो काफ़ी बड़े पैमाने पर भर्तियां करता है उसके लिए, और बैंकिंग सेक्टर चाहे वो IBPS के थ्रू हो या आपका डायरेक्ट बैंकिंग हो, तो उनमें भी ये जो CET की परीक्षा का सर्टिफिकेट है ये मान्य किया जाएगा। इसके अलावा भी कई भर्तियां हैं जो केंद्र सरकार के स्तर पर की जाती हैं, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि क्या टीचर भर्ती जो है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो देखिएगा टीचर भर्ती के लिए जो CTET होता है वो ऑलरेडी कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो इसमें टीचिंग की भर्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य जो विभाग हैं केंद्र सरकार के उनमें इस पात्रता परीक्षा को मान्यता दी गई है। तो यहाँ से यही बड़े पैमाने पर भर्ती बन जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो नियुक्ति होती है वो रेलवे में होती है, सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो रेलवे के अंतर्गत आती हैं सरकारी विभागों में, फिर SSC कराता है और फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए होती है। तो इन सभी में यदि आपको जाना है, केंद्र सरकार की किसी भर्ती में शामिल होना है, तो उसके लिए CET परीक्षा का पास होना अनिवार्य है। अब सभी भर्तियों के लिए ये एक परीक्षा होगी, एक परीक्षा से मेरा मतलब ये है कि ये एक तरीके का आपको जो है पास दिया जाएगा कि आपको जो है शामिल होने के लिए कम से कम इसको क्वालिफाई करना होगा। तो ये जो परीक्षा है एक तो ये आपकी क्वालिफाई नेचर की होगी, तो क्वालिफाई से मेरा मतलब ये है कि इसमें अंकों का महत्व वहाँ तक है जहाँ तक आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई करते हो। यदि परीक्षा की कट ऑफ जो है 60% है तो कम से कम आपको 60% लाना जरूरी होता है, जिस तरीके से यहाँ पर CTET वगैरह में होता है। तो ये क्या है, एक क्वालिफाई एक स्कोर है इसका जो मान्यता है कि कम से कम इतना स्कोर आपको करना होगा तब आप जो है भर्तियों के लिए आगे के लिए भेजे जाओगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि भर्ती आपकी आए या ना आए, CET के द्वारा जो है आपसे जो है धन वगैरह बटोरा जाए और आपको एक आशा दी जाए कि भविष्य में भर्ती आ रही है। तो CET परीक्षा कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरीके से आपकी जो भीड़ कम की जाए। जिस तरीके से ये जो वैकेंसी निकली थी रेलवे में, आपने देखा था कि ग्रुप D और RRB NTPC की, तो उसमें जो फॉर्म थे वो 2 करोड़ से भी फालतू फॉर्म जो है अभ्यर्थियों ने भर दिए थे। तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए परीक्षा कराना जो है बहुत बड़ी चुनौती होती है शासन के लिए, क्योंकि कई महीने तक लगातार ये परीक्षाएं चली होती हैं और फिर इनका जो मेंस एग्जाम्स भी होता है तो वो भी तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण भर्तियों में देरी होती है। तो इस देरी को भी समाप्त करने के लिए ये जो है कि आपका जो देरी कम होगी तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है फास्ट नियुक्ति मिलेगी, अर्थात जल्दी आपकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। आयु की बात की जाए तो आयु देखेगा 18 से 40 वर्ष तक आपकी जो है आयु मान्य की जाएगी। तो 18 से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट्स जिन लोगों ने 10th पास की हुई है वो इस पात्रता परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए, चाहे आपने भले ही ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या आपने 12th किया हो या किसी भी
तरीके से आपने एजुकेशन ली हो, तो सभी के लिए परीक्षा का प्रारूप है वो एक रहेगा और उसका जो स्तर है वो 10th स्तर का रहेगा। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में देखिएगा मुख्य चीज़ें शामिल की जाएंगी, आपसे GS आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और आपकी जो लैंग्वेज है उससे क्वेश्चंस आएंगे, अर्थात भाषा से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो फिलहाल ये निर्धारण नहीं किया गया है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इतना बताया गया है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और किस लेवल्स के हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 10th स्तर तक के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। भविष्य में भर्ती में इसका उपयोग कैसे होगा, तो इसकी देखिएगा एक वैलिडिटी रखी जाएगी। तो वैलिडिटी जो है वो लगभग यहाँ पर 5 साल पर विचार चल रहा है कि 5 वर्ष तक आपकी जो है वैलिडिटी रखी जाए। जो आपकी CET परीक्षा है इसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो देखिएगा 5 वर्षों तक जिस तरीके से खबर लीक हो रही है शासन की ओर से कि 5 वर्ष तक इसकी जो है वैलिडिटी रखी जाएगी, अर्थात इसको एक बार आप क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद आने वाली 5 वर्षों तक किसी भी SSC रेलवे या बैंकिंग या अन्य केंद्र सरकार की भर्तियों में आप जो है आवेदन के लिए योग्य माने जाओगे। बाकी जो आवेदन के ऊपर निर्भर करता है कि उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है वो आपके लिए अलग से होनी चाहिए। जैसे कि कुछ आवेदन के लिए यदि बैंकिंग की बात की जाए तो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, तो उसमें आपने CET भी पास की है और आप 10th पास हो या 12th पास हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भर्ती के लिए अलग योग्यता रखी जाएंगी। ये केवल एक तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, इसके बिना आप जो है इन भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते। भर्ती में उपयोग कैसे होगा, तो भर्ती में देखिएगा इसकी मार्किंग वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भर्ती में इसको जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम्स के तौर पर शामिल किया जाएगा और इसे पास करने वाले अभ्यर्थी जो है भर्ती आने वाली 5 वर्षों तक जो भी कोई भर्ती आएगी केंद्र सरकार की उसमें आवेदन करने के लिए योग्य है, ये बशर्ते वो जो आपकी कंडीशन है जिस पोस्ट के लिए निकली हुई है उसकी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी इसका उपयोग उस तरीके से नहीं है कि इसके मार्क्स भी आपकी अंतिम कट ऑफ में जुड़ेंगे या नहीं, ये केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम्स है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी, कोई कंफ्यूजन अभी भी आपका शेष है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।